तो आज की बाबा की साकार मुरली 12 नवंबर, मीठे बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में राज ऋषि माने कैसे बेहद के सन्यासी है। एक बार बेहद का सन्यास कर 21 जन्म की प्रालप्त बनानी है। प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। वापस घर जाना है। उत्तर है, चलते फिरते याद रहे, पहली बात हम एक्टर है। बाबा कहे ये याद रहे हम एक्टर है, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्याजी भव है। इसी स्मृति में रहना, इसको ही कहा जाता है मन मना भव मध्याजी भव। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखाते हैं। प्रश्न दूसरा, सदगति के लक्षण कौन से हैं? सदगति के लक्षण कौन से हैं? हाँ, बाबा कहे सर्व गुण संपन्न, 16 कलह संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, यह है सदगति के लक्षण। यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है, जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं, तभी तो सदगति होती है। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन अब आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। क्या जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार? कौन सी बात जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार? हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। ये बात भी सब एक जैसे नहीं समझते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता ये दुख धाम है। जब तक सुख का पता नहीं तब तक महसूस भी नहीं होता कि ये दुख धाम है। तो बाबा कहे जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता यह दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। सारा अंतर क्लियर हो जाता, इतना बुद्धि के अंदर स्पष्ट ज्ञान हो जाता। अभी तुम सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। सुख के लिए कौन सा पुरुषार्थ है? सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो
तो सुख के लिए पुरुषार्थ कौन सा है? एक बाबा को याद करना है, और सुख के लिए पुरुषार्थ क्या है? श्रीमत पर चलना ही पुरुषार्थ है, ये सुख के लिए पुरुषार्थ है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। आज की मुरली में ये लाइन इतनी बार बाबा ने जैसे अलग अलग रूप से हमें समझाया है। तोड़ जरूर निभाना है, अगर तोड़ न निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। हमें सन्यासियों की तरह नहीं बनना है। तो बाबा कहे, तोड़ न निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। हमारा हठ योग नहीं है, राजयोग है। राजयोग माना तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। दूसरे के धर्म शास्त्र क्या है, दूसरों के धर्म शास्त्र क्या है, उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं है। सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है। उन्होंने कहा है हठ योग, घर बार छोड़ जंगल में चले जाना। उन्होंने को जन्म बाय जन्म संन्यास करना पड़ता है। ये भी एक गुह्य गति बाबा ने समझाई कि एक बार वो गृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके हठ योग को अपना कर जंगल में चले जाते तो फिर उन्हों को जन्म बाय जन्म संन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हैं। उन्हों का है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है, हमारा बेहद का संन्यास। और इतना सुंदर संन्यास, इसीलिए बाबा कहे तुम्हारा बहुत गायन है, राजयोग का बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे ते ऊंचे को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो न सके, बेहद का बाप है निराकार। बेहद की बादशाही वही देते हैं। निराकार है तो बेहद की बादशाही भी वही दे सकते हैं। यहां गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। कितनी सुंदर बाबा ने बात कही, गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। दोबारा ये लाइन आई कि नफरत नहीं करनी है। पहले उस रीति से समझाया कि तोड़ निभाना है, यही राजयोग है। अब बाबा कहे नफरत नहीं करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते ही पवित्र बनना है। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते हैं।
वह भी पावन दुनिया चाहते हैं, सन्यासी भी पावन दुनिया चाहते हैं, लेकिन उनको पतित पावन नहीं कहा जाता है। वह दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। सन्यासी लोग गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो वो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सके, न बाप कभी हठ योग सिखला सके। न बाप कभी हठ योग सिखाते हैं, न सन्यासी कभी राजयोग सिखाते हैं। ये समझने की बातें हैं, ये बातें भी समझने की है। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस नहीं, गीता कॉन्फ्रेंस हो रही है। 17-18 तारीख गीता कॉन्फ्रेंस होनी है, उस समय वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होगी। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ ये समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह है शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को न जानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना, बहुत बड़ा अंतर है। बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। समझने की बातें भी है तो पेचीली बातें भी है। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है। कौन सी बात बिठाएंगे? पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है। कौन सी बात? गीता का भगवान कौन है? बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, ये भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। ड्रामा अनुसार अपना धर्म भी भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापन करे, नहीं तो बाप आए कैसे? कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूं। प्रायलोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई। कैसी कैसी कहानियां शास्त्रों में बना देते हैं। बैल की एक टांग टूट गई, बाकी तीन टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही चार धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। इतना अच्छी तरह से बाबा भाव भी बता देते हैं। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी है। बाबा कहे बाकी टाल टालियों पर खड़ा है। तो इसमें इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं।
बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं, बहुत शाखाएं खड़ी है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है, तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते हैं, तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। अब ड्रामा को भी अच्छी तरह हम समझ गए कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है जरूर, चक्र को फिरना है जरूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं। चलते फिरते ये याद रहे कि अब हमको वापस जाना है, चलते फिरते ये याद रहे कि अब वापस जाना है। मन मना भव मध्याजी भव का यही अर्थ है। क्या अर्थ है? चलते फिरते बाप को याद करते रहे और ये याद रहे कि अब वापस घर जाना है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर से, हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। राजयोग क्या है? राजयोग सिखाते हैं। राजयोग क्या है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, यही राजयोग है। पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो, अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सदगति के लक्षण क्या बताएं? सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, यह है सदगति के लक्षण। ये लक्षण कौन देते हैं? ये लक्षण हमें कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? बाप के फिर लक्षण क्या है? हाँ, बाबा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं, सब एक ही एक है। सर्वव्यापी की बात को बाबा क्लियर करते हैं। ऐसे नहीं, सब एक ही एक है। एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है।